Hi, today is 300th day of year 2021. Every day means every day. For a better life, get a better mind. For a better mind, get better habits. For better habits, just respect yourself. Today is 27th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स है, नामदापा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, देवदर सेडार स्टेट ट्री है हिमाचल प्रदेश का और स्नो लेपर्ड है स्टेट एनिमल। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने रिलीज किया 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। नीति आयोग बनाती है जियोस्पेटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ है न्यूयॉर्क यूएसए में। लूसी मिशन लूसी प्रोजेक्ट लूसी था फॉर दिस नासा फॉर दिस ट्रोजन्स एस्टेरॉयड स्टडी करने के लिए। आज के सवाल है, वेयर इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट लोकेटेड। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोरपा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। किस 5-ईयर प्लान में गरीबी हटाओ ऑब्जेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड हु फॉर्मुलेट्स फिस्कल पॉलिसी। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये फिस्कल पॉलिसी है। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है अबेट। अबेट मतलब कोई बुरी चीज है उसका प्रकोप या प्रभाव को कम करना। मेक लेस एक्टिव और इंटेंस। एग्जॉल्ट मतलब तारीफ करना, टू मेक समबडी राइज टू अ हायर रैंक और टू प्रेज समबडी। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड मिलना, दंडात्मक, इंटेंडेड एज अ पनिशमेंट। देन प्रिसाइन का मतलब होता है पहले से ही आपको उसकी नॉलेज है, नोइंग अबाउट इवेंट बिफोर दे टेक प्लेस। क्लैमर मतलब लाउड और कंफ्यूज नॉइज है, कोलाहल। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर पास करेंगे पेगासस केस स्टडी का, पेगासस केस का। देन दिस इज हॉर्स टैंक्स फोर्स राजपथ प्लान रिवीजन, बिकॉज राजपथ में रिपब्लिक डे परेड भी होता है। सेंट्रल विस्टा रिवैम्प। आईआईटी दिल्ली ने अनाउंस किया है एमटेक इस माइंस में, माइंस मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। क्लीनलीनेस ड्राइव है, सेफ्टी फर्स्ट है। कू हुआ है सूडान में। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप देखेंगे हम। वैक्सीनेशन का माइलस्टोन, नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट, नेट जीरो, हम रोज इस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाई इंडिया शुडंट साइन ऑन टू नेट जीरो। देन दिस इज अभिम। अभिम क्या है? दिस इज आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक्स। देन बिग पावर, सैयद अकबरुद्दीन साहब का आर्टिकल है। कोवैक्सीन के नोट में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। डीबीटी के नए सेक्रेटरी हैं साउथ चाइना सी एंड बीजिंग। टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, दिस इज AIIB। वेटलैंड मित्र नई स्कीम है और आज हम जानते हैं रामसर, मॉन्ट्रैक्स और कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। देन दिस इज 7 सोशल सिंस, ये एथिक्स में हम देखेंगे गांधी जी के प्रिंसिपल। ड्रोन डिलीवरी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes। अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर्स ऑन प्लीज इन पेगासस केस टुडे। पेगासस केस टुडे, आज जो प्ली थी उस पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, कुछ ऑर्डर आना चाहिए। नो बीटिंग अराउंड द बुश, लेट अस सी। पेगासस क्या है? पेगासस कुछ दिन पहले हमने देखा था, ये व्हाट्सएप स्पाईवेयर है। व्हाट्सएप स्पाईवेयर ये क्या करता है? आपके व्हाट्सएप पे इंस्टॉल होगा, आपके फोन का SMS, WhatsApp, मैसेज, इन सब में जो नोन और अननोन वल्नरेबिलिटीज है उससे ब्रेक इन करके आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, मोबाइल के सारे डेटा को स्टील कर लेता है। तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। और अगर इसे स्टेट कर रहा है तो ये हो जाता है स्टेट बैक सर्वेलेंस। मतलब स्टेट अपने सब्जेक्ट सिटीजन्स का सर्वेलेंस कर रहा है बाय यूजिंग दिस स्पाईवेयर्स। और स्पाईवेयर्स के लिए ये इसराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, उसको अच्छा खासा पैसा भी दिया था इस स्पाईवेयर के वर्क के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इस पे सवाल उठता है स्टेट पे, दैट इज वाई ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट पे।
अब सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर देगी। लेट अस सी। मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने कहा था, आई एम नॉट अवर्स टू एन इंक्वायरी, द गवर्नमेंट टेक्स इंडिविजुअल्स प्ली ऑफ वायलेशन ऑफ देयर प्राइवेसी सीरियसली, राइट टू प्राइवेसी। तो स्पाइवेयर से रिलेटेड जो चीज है गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी, बट एट द सेम टाइम कई बार जो सर्विलेंस होता है वो करना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी पे। तो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर फोन टैपिंग होती है, सर्विलेंस होता है, लाइक दैट, ये जायज है। बट द पॉइंट इज, ये जो भी काम होता है वो बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए और विद इन द लॉज होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैटर्स कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी, वी अंडरस्टैंड नेशनल सिक्योरिटी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बट हमारी कंसर्न ये है कि जो अलिजेशंस हैं पेटिशनर्स ने लगाए कि आपने फॉरेन एनएसओ का सॉफ्टवेयर लिया, उससे सिटीजन्स का सर्विलेंस किया, तो ये सब विद इन लॉ है या नहीं है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया एटसेट्रा। तो इस चीज पे अभी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आएगा। लेट अस सी, ऑर्डर्स पास करेंगे। बाकी हमने ये पहले ही देखा है, डिकोडिंग पेगासस एक स्पाइवेयर है, इसराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है, आईओएस एंड्रॉइड दोनों पे अटैक कर सकता है, जीरो क्लिक अटैक होता है, किसी भी यूजर का ऐसे यहाँ पे हैक हो सकता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी होता है ये, तो इसके ट्रेसेस नहीं आते। तो ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिससे ये जैसे हाई प्रोफाइल लोग हैं इनके फोन व्हाट्सएप टैप किए गए, जैसे अरब रॉयल फैमिली मेंबर, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट एटसेट्रा। सो दिस इज पेगासस। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें इसे लिंक करना है राइट टू प्राइवेसी से और स्टेट बैंक सर्विलेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बाकी ऑनरेबल कोर्ट में आज जो स्टेटमेंट आएंगे उस पर हम फिर टेक लेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। और जो सेकेंड है वो है हॉर्सेज टैंक्स फोर्स राजपथ प्लान रिविजन। सी, जो रिपब्लिक डे परेड होती है तो उसमें हॉर्स का भी एक कंटिजेंट होता है, फिर एक टैंक्स भी चलते हैं वहां पे, अर्जुन टैंक वगैरह। तो ये जो विस्टा रिवैम्प कर रहे हैं, तो ये विस्टा रिवैम्प ऐसा होना चाहिए कि जो घोड़े हैं, बिकॉज इनके हूफ्स होते हैं, ये ऐसे कॉन्क्रीट वगैरह में चलने में दिक्कत आती है, तो जो टाइल्स लग रही है, तो वो विद इन होना चाहिए कि रिपब्लिक डे परेड या फिर हॉर्स का जो यूनिट है या फिर टैंक्स का रोल हो रहा है वो उसको विदस्टैंड कर पाए। पेविंग ऑन द रोड चेंज टू ईज मूवमेंट ड्यूरिंग रिपब्लिक डे परेड, RDP। सो दिस इज देयर। लेट अस सी, यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट भी है बिकॉज 2022 तक डेडलाइन है, इसको पूरा कंप्लीट करना है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, IIT दिल्ली ने अनाउंस किया है MTech माइंड्स पे। वॉट इज माइंड? माइंड्स मतलब मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्लैगशिप एजुकेशन प्रोग्राम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो IIT भी अब ट्रेडिशनली तो कोर्सेज हैं, प्लस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे भी नए कोर्सेज, न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही है, विच इज अ गुड थिंग। सेकेंड, ये जो माइंड्स है इसमें ना इंडस्ट्री कनेक्ट ज्यादा होगा, इंडस्ट्री कनेक्ट, वरना अदरवाइज क्या होता है, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स होते हैं, ये इंजीनियर्स जो होते हैं वो पढ़ते कुछ हैं और इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और होती है, तो एक बहुत बड़ा मिसमैच आ जाता है। तो दैट इज वाई कोर्सेज ऐसे होने चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हो और जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री का, प्रोफेशनल कोर्सेज में इंडस्ट्री का एक्सपोजर बहुत जरूरी होता है, तो वो यहाँ पे मिलेगा इस माइंड्स कोर्स में। तो ये MTech का कोर्स ऑफर किया है IIT दिल्ली ने, गुड। देन क्रिप्टो करेंसी में बहुत फ्रॉड्स भी चल रहे हैं अभी। देन दिस इज स्टेट न्यूज, ये न्यूज है क्लीनलीनेस ड्राइव, मेंटेनेंस वर्क चल रहा है महागणपति टेम्पल पलक्कड़ में, मेंटेनेंस वर्क। तो अब जैसे कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, नॉर्मलसी आ रही है, पब्लिक प्लेसेस ओपन हो रहे हैं, तो ये क्लीनलीनेस वर्क है। सिमिलरली यहाँ पे क्लीनलीनेस चल रहा है सिनेमा हॉल्स का, तो बिग स्क्रीन कम्स अलाइव इन केरला टुडे, साई ऑफ रिलीफ, फैंस विल बी बैक इन लार्ज नंबर्स, गुड, बट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगेंस्ट कोविड को फॉलो करना भी जरूरी है। ये आर्टिकल है सेफ्टी फर्स्ट, कल ही हमने देखा मुल्ला पेरियार डैम। सो दैट इज वाई न्यूज़पेपर ना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्यूटिफुल एंगल होता है इस पूरे एंटायर एग्जाम प्रिपरेशन का। न्यूज़पेपर एवरीडे मींस एवरीडे डिसिप्लिन आता है, न्यूज़ के बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज बेटर होती है,
स्टडी स्ट्रीमलाइन होती है, एंडलेस बेनिफिट्स हैं। बहुत पहले जब न्यूज़पेपर आई स्टार्टेड मेकिंग न्यूज़पेपर वीडियोस, तो जो एक शुरुआत में एक वीडियो बनाया था उसमें डिस्कस किया था हमने कि न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दिस इज वाई न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमने मुल्ला पेरियार डैम के बारे में पढ़ा, रिवर के बारे में पढ़ा, इसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, केरला हमने पहले ही इस पे ज्योग्राफिकल नोट प्रिपेयर कर लिया। तो सी, अब यहाँ बात है कि मुल्ला पेरियार डैम का जो हाइट बढ़ा रहे हैं इसके क्या कंसर्न्स हैं। जो तमिलनाडु के जो 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम केरला डूब एरिया में आता है, तो केरला के जो कंसर्न्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज सेफ्टी फर्स्ट। तमिलनाडु को लीज पे मिला है ऑपरेशन ऑफ मुल्ला पेरियार डैम, तो मॉनिटरिंग जो डैम की कर रहा है वो तमिलनाडु कर रहा है, बट केरला का कंसर्न भी जेन्युइन है, तो एक सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। प्लस बहुत सारे हमने देखा केस सिनेरियोज होते हैं, तो आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है कि हम उन सब केस सिनेरियोज को एसेस कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा थ्रेट पोज करेंगे इस मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी पे। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि मैक्सिमम वाटर लेवल कितना करना है उस पर जो कॉन्ट्रोवर्सी है, तो इसको टेक्निकल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। तमिलनाडु की डिमांड है, उसको वाटर की जरूरत है, 5 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में 152 फीट तक हाइट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्लस रेनफॉल इस बार ज्यादा हुआ है कैचमेंट, और एम्फेसाइज कर रहे हैं अर्जेंट नीड फॉर द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर, बिकॉज पानी अचानक डैम से निकलेगा तो डूब एरिया डूब जाएगा। केरला में वैसे ही वाटर का अभी फ्लडिंग सिचुएशन बनी हुई है। सो द पॉइंट इज दिस लाइन इज गुड, नो रूम फॉर पैशन एंड चौवेनिज्म ऑन अ टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जो टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है ना, दिस शुड बी बेस्ड ऑन डेटा, दिस शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, दिस शुड बी बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, दिस शुड बी बेस्ड ऑन साउंड लॉजिक। ये जो पैशनेट अपील हो जाती है या फिर भड़काऊ बातें हो जाती है या फिर एक जनरल हिस्टेरिया बन जाता है, ये चीजें करेक्ट नहीं होती है, इनसे कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक में कि जैसे इधर केरल वाले लड़ने लग गए, इधर तमिलनाडु में लड़ने लग गए, पीपल मोबिलाइजेशन हो रहा है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा आप टेक्निकल देखो, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसमें साइंटिफिक देखो, लीगल और जो दूसरे टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उन एक्सपर्ट्स की बात मानो, इससे ही इस डैम का वाटर लेवल सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है। तो तमिलनाडु बोल रहा है 152 फीट तक पानी बढ़ाओ, केरला बोल रहा है डैम पुराना है पानी कम करो। देन दिस इज प्री रिक्विजिट है, तमिलनाडु क्लियरेंस सेंटर इस पे क्या करता है। द पॉइंट इज टेक अवे इज एज देर आर सफिशियंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली कोई भी लेजिटिमेट और जेन्युइन कंसर्न पे, एनी लेजिटिमेट एंड जेन्युइन कंसर्न। केरला का कंसर्न है डैम पुराना है, तो उसको स्टडी करो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टूल से। एवरी प्लेयर शुड एडॉप्ट अ रैशनल अप्रोच व्हाइल डिसाइडिंग ऑन द स्टोरेज लेवल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ द डैम। एक्सेलेंट लाइन, सो दिस इज अ वंडरफुल वे फॉरवर्ड। तो ये डैम इशू है सेफ्टी फर्स्ट का। तो न्यूज़पेपर ऐसे बढ़ता है, कल हमने न्यूज देखा, आज हमने न्यूज पे एक टेक देखा, अभी एक दो दिन पे इस पे एक और कोई एडिटोरियल या फिर किसी एक्सपर्ट का एक आर्टिकल आने वाला है, तो हम इसको अलग व्यू पॉइंट से भी देखेंगे। तो जो करंट अफेयर्स ऐसे हम पढ़ते हैं ना वेव टाइप की, ग्रेजुअली हम समझ रहे हैं सब्जेक्ट को, इसमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा लास्ट करती है और एक होलिस्टिक व्यू नजर आता है। ओके, सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अब ये कू हुआ है सूडान में, अब यहाँ पे मिलिट्री ने कू कर दिया सूडान पे, मिलिट्री ने टेक ओवर कर दिया यहाँ की गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना है, ऑल्दो इट्स अ न्यूज़पेपर तो इन्होंने न्यूज को एक्सप्लेन किया है, बट हम यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में देखें स्कोप ऑफ डिस्कशन में, तो हमें जानना चाहिए अफ्रीका के बारे में, हमें जानना चाहिए इसकी ज्योग्राफी के बारे में। अफ्रीका, सूडान की क्या स्पेशलिटी है, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल फीचर्स क्या है, इधर एम्फेसिस हमें करना चाहिए। तो मिलिट्री ने रिस्टोर किया ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड अलाउ फ्री इलेक्शन, ये एक व्यू पॉइंट है। हमारा व्यू पॉइंट यूजुअली ये होता है कि हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, म्यांमार में भी हमने यही बोला, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीपल्स विल होना चाहिए, तो सेम थिंग हम बोलेंगे सूडान में। बट एक लिमिट के बाद हम दूसरे कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे हम नहीं इंटरवीन करते हैं, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। तो मिलिट्री शुड रिस्टोर द ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड अलाउ फ्री इलेक्शन, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट होने चाहिए, दीज आर द थिंग्स। अब जैसे ये सूडान है,
यहाँ पे ये रेड सी है, दिस इज रेड सी, रेड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऊपर इजिप्ट आ जाता है, फिर इधर लिबिया है, फिर चाड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे साउथ सुडान, और दिस इज इथियोपिया। इथियोपिया अभी जो WHO के चीफ हैं वो कौन है और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? आंसर, अभी ये टिग्रे रेबल भी आ रहे थे, वो कहाँ पर हैं बताइए। और ये एल्ट्रिया है। अब सूडान है, तो सूडान में जैसे ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, तो यहाँ पे डैम्स वगैरह बनते हैं, उस पर भी स्ट्रगल हो जाता है, तो दिस इज सूडान, ये सूडान। और नाइल फिर ऊपर जाएगी इजिप्ट में और ऊपर मेडिटेरेनियन में। तो ये जो है ना, लिबियन डेजर्ट भी है यहाँ पे, न्यूबा माउंटेन्स भी है, देन ऊपर इधर नुबियन डेजर्ट है। सो दीज आर दी दिस इज द एरिया ऑफ सूडान, सूडान। ऐसे ही अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका बहुत सारे एरियाज में डिवाइडेड है। अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट, जैसे ऊपर है नॉर्दर्न अफ्रीका, फिर ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज कहलाता है, ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न है, देन इधर सदर्न कंट्रीज है, फिर ये मेडागास्कर है। तो ये जितने भी कंट्रीज है ना, इनका एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कंट्री की लोकेशन कहाँ पर है। जैसे सूडान आया तो सूडान यहाँ पर है, अगर अंगोला की बात होती दिस इज अंगोला, वेर इज तंजानिया, दिस इज तंजानिया, ये मेडागास्कर है। सो वी शुड बी हैविंग अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में ये भी है कि जब पहले इसको कॉलोनाइज कर लिया गया था, तो जो लाइंस ड्रॉ हुई है ना, ये लाइंस ऑन पेपर ड्रॉ हुई है, मतलब पेपर में ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर ली कि दिस इज दिस कंट्री, दिस इज दिस कंट्री। ग्राउंड पे तभी ये स्ट्रेट लाइंस है, इतनी स्ट्रेट लाइंस है ग्राउंड पे। यहाँ पे भी अब ट्राइब्स तो इस लाइन को फॉलो करती नहीं होंगी, तो यहाँ भी डिफिकल्टी आई थी अफ्रीका में। और अगेन ये सारा कल्प्रिट यहाँ पे यूरोपियन कॉलोनाइजिंग पावर्स है। सो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर टुडे, कि हमें एक पॉलिटिकल मैप तैयार करना है कॉन्टिनेंट अफ्रीका का। एक फ्री हैंड डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए अफ्रीका का, और जितने भी ये कंट्रीज दिख रहे हैं ना, एक बार आप इन्हें लिख लो, बस लिख लो। बड़ा आसान सी एक्सरसाइज है, बट एक बार अगर आप इसे लिख लोगे तो चीज याद हो जाएगी आपको। सो डू दिस एक्सरसाइज, ये सारे मैप देखो, कंट्री कौन सी है, अपना एटलस ओपन करो, उधर हाईलाइट करो ये सारे कंट्रीज कौन कौन सी है, सीज जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, साहेल रीजन क्या होता है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट कहाँ पर है, देन स्लेव कोस्ट किसे बोलते हैं, ओके फिर यहाँ पे जो डेजर्ट्स हैं कौन से डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट सारे आइडेंटिफाई करो। तो जस्ट प्रिपेयर दिस मैप ऑफ अफ्रीका, वेरी वेरी हाई यील्डिंग। रोज का होमवर्क रोज करिए, 1-2 घंटे निकाल के, आपको कुछ ही टाइम पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन नजर आएगा, पूरी स्टडी आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, ओके। एंड विच इज वॉट इज रिक्वायर्ड टू क्रैक एन एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ओके। तो हमें ये याद रखना है दिस मैप ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ जो आर्टिकल लिखा है ये सोनिया गांधी जी ने लिखा है, वैक्सीनेशन माइलस्टोन एंड अ डिस्टेंट गोल। जो आर्ग्यूमेंट है वो करेक्ट है कि हमें वैक्सीनेशन का 1 बिलियन डोजेज लिए, दिस इज प्रेजवर्दी। इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं आई, प्रेजवर्दी। इंडिया इज अ बिग कंट्री, स्टिल वी अचीव दिस माइलस्टोन, प्रेजवर्दी। नाउ फर्दर हमें सेकेंड डोज पे भी ध्यान दें, इकोनॉमी रिकवरी पे भी ध्यान दें, कोविड के बाद भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे ध्यान दें, रिकवरी एंश्योर करें, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास बेनिफिट्स मिले, और हेल्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसको स्ट्रेंदन करें। ये सब बातें हैं यहाँ पे, वैक्सीनेशन क्विकली करें और हेल्थ एंड प्रोग्रेस भी मॉनिटर करें। तो दिस इज अबाउट कोविड। ये है री इवेल्युएटिंग द नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट। बुद्धिज्म वैसे इंडिया में बहुत टाइम से, इंडिया में ही जन्म हुआ है बुद्धिज्म का, गौतम बुद्धिज्म। बट आज की डेट में जब बुद्धिज्म पॉपुलराइज हुआ तो उसमें श्रेय जाता है बाबा साहब को, अंबेडकर साहब को। यहाँ जो बात है वो हमें ये फोकस करना चाहिए कि वी शुड नो अबाउट बुद्धिज्म। कुछ ही दिन पहले कुशीनगर पे एयरपोर्ट पे, कुशीनगर एयरपोर्ट श्रीलंका से भी आए थे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिकॉज कल्चरल लिंकेजेस, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, बुद्धिज्म से कनेक्ट पूरा ईस्टर्न एशिया से हो जाता है, श्रीलंका से हो जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बुद्धिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग सूट ऑफ इंडिया। तो बुद्धिज्म हमारी डिप्लोमेसी में भी नजर आना चाहिए, बुद्धिज्म। सो दिस इज बुद्धिज्म। अब यहाँ जो हमें देखना है ना, जैसे 21 अक्टूबर को हमने पढ़ा कुशीनगर, इसी दिन आपने बड़ा अच्छा आंसर लिखा था, बुद्धिज्म के इम्पोर्टेंट क्या टीचिंग्स हैं, क्या लर्निंग्स हैं, और उसको आपने कनेक्ट किया था प्रेजेंट डे क्राइसिस, मॉडर्न डे वर्ल्ड की चैलेंजेस को डील करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रीविजिट दिस 21 अक्टूबर का PDF एंड हैव अ रीड। जो आपने आंसर प्रिपेयर किया है ना, उसको रिविजन भी करो।
आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। टाइम टू टाइम आप एक फाइल बना लो अपनी, और उस फाइल में जो भी आंसर लिख रहे हो ना उसको पंच करके वहां पे कंसोलिडेट करो, पन्ने फेंको मत इधर उधर। हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को फाइल में आप फाइल करो और टाइम टू टाइम उसको स्टडी करो और रिवाइज करो। रिविजन इंपॉर्टेंट है। तो आज 21 अक्टूबर का कुशीनगर वाला जो आंसर लिखा है उसको आप रिवाइज कर लो। बुद्धिज्म, एट फोल्ड पाथ क्या होता है, नोबेल ट्रुथ क्या होता है, बुद्धिज्म की लर्निंग क्या है, गौतम बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, साइंस, सिंबल्स, वो सब क्या है, ये सब पता होना चाहिए। सो दिस इज बुद्धिज्म। अब जो नेक्स्ट है वो है व्हाई इंडिया शुडंट साइन ऑन टू नेट जीरो। इतने दिन से हम रेगुलरली यही बात कर रहे हैं, इंडिया का स्टैंड है नेट जीरो पे हम बुलिंग नहीं होने देंगे कि जबरदस्ती नेट जीरो इंडिया साइन करे और जो हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। नो, इसमें नेट जीरो से अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये पॉइंटर्स हैं कि अभी तक का जो अक्यूमुलेटेड कार्बन किया है उसको भी फैक्टर इन करो। यूरोप जो है वो पिछले 200 साल से ह्यूज कोल बर्न किया, ह्यूज अमाउंट में, पर आज अचानक बोलते हैं कि कोल बर्न कोई नहीं करेगा बिकॉज दिस इज वेरी पॉलिटिक। तो हमारा तो ग्रोथ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट हैम्पर हुआ ना, तो अक्यूमुलेटेड कार्बन जो है उसको भी फैक्टर इन करो। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, CBDR, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन क्लाइमेट फंड में जो $100 बिलियन पैसे बोले हैं आपने वो पेमेंट करो। नेट जीरो में बुलिंग नहीं होगी। पर कैपिटा कार्बन एमिशन इंडिया का बहुत लो है। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेरिस अग्रीमेंट में हमने बताया था, 5 साल हो गए, रिव्यू करेंगे हम, वॉलेंटरली अनाउंस करेंगे कि हम इतना कट करेंगे अपने कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस में, बट नॉट बाय फोर्स। तो ये इंडिया का स्टैंड है जो पूरा यहाँ पे आर्टिकल में बताया है कि इंडिया का क्या स्टैंड होगा। अब इसमें भी बहुत डिटेल पे इसलिए नहीं जाना चाहिए बिकॉज आज 27th है, लेट्स वेट। फर्स्ट ऑफ 2-3 दिन में ही मीटिंग होगा ग्लासगो, COP26। इसके बाद इंडिया जो यहाँ पे अनाउंस करेगा वो ही हमारा स्टैंड हो जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे जा रहे हैं, लेट अस सी वहाँ क्या अनाउंसमेंट्स होते हैं। फॉर नाउ वी शुड जस्ट गेट फैमिलियराइज कि व्हाट इज नेट जीरो, व्हाट इज CBDR, व्हाट इज पर कैपिटा कार्बन एमिशन, व्हाट इज GCF, लाइक दैट। ओके, बाकी फाइनल जो टेक होगा वो 1 नवंबर को लेके। क्लियरिंग द एयर ऑन वाटर, अगेन दिस प्रोजेक्ट्स जो है, देन दिस में पॉल्यूशन हो रहा है, केरला में फ्लड्स आ रहे हैं, वो सब बातें हैं। प्रिपेयरिंग फॉर आउटब्रेक, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अभी तक हमने पढ़ा था आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में 5 लाख का हॉस्पिटल कवरेज वगैरह भी दिया था, तो ये जरूरी भी है बिकॉज COVID-19 में हमने देखा कि इंडिया का जो हेल्थ केयर है वो बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग हम रिसोर्सेस प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इसके लिए ये नाम याद रखना है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। इसका नाम है अभिम, अभिम, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये क्या है, अगेन पॉइंट्स कॉमन है, हमें स्ट्रेंथन करना है हेल्थ केयर इंफ्रा को। तो 64,180 करोड़ का 5 साल के अंदर का इसका आउटले है, इतने पैसे खर्च करेंगे। ये नेशनल हेल्थ मिशन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, स्ट्रेंथन करेंगे पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नेंस कैपेसिटीज को, डायग्नोस्टिक मतलब टाइम पे डिसीज का पता लगना जरूरी है, ट्रीटमेंट होना जरूरी है, क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना भी जरूरी है। ये सब कीवर्ड्स आप याद रखो, कई बार क्या होता है जल्दी रहती है हमें, टाइम कम पड़ता है, तो आप ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी कीवर्ड्स भी लिख दोगे ना तो आपको फिर भी फेयर मार्क्स मिल जाएंगे कि अभिम लिखा और ऐसे करके 4 फैक्ट्स लिख दिए इसके बारे में क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स, दिस वर्क्स। तो ये सब कीवर्ड्स इसलिए याद रखने हैं, पब्लिक हेल्थ इंफ्रा इंटीग्रेट करना है, स्ट्रेंथन करना है, गवर्नेंस कैपेसिटी बढ़ाना है, डायग्नोस्टिक तुरंत करें, क्रिटिकल केयर करें, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस जैसे एम्स बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिला अस्पताल बनेगा 602 में डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये है अभिम, अभिम से रिलेटेड ये सारे 8-10 फैक्ट्स जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए। तो दिस इज अभिम। अब अभिम तो है, साथ ही साथ हमारा जो अब टारगेट चल रहा है ना वो डिसीज का ट्रीटमेंट के साथ साथ डिसीज का प्रिवेंशन पे भी फोकस है। हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, चीज खराब हो गई उसको हम ठीक तो कर लेंगे बट पहले दफे चीज खराब ही क्यों हुई, हेल्थ खराब ही क्यों करें हम। तो इसीलिए इसमें इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए होगी भीम में, अभिम में। वन हेल्थ अप्रोच है, वन हेल्थ का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट भी हो गया, एनिमल्स भी हो गया, ह्यूमंस भी हो गए, ये तीनों सिनर्जी में रहेंगे।
करंट जो लैब्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इंटीग्रेटेड डिलीवर करें क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस को। ये कीवर्ड याद रखिए, सर्वेलेंस। ये सर्वेलेंस मतलब आईटी वाला नहीं है, ये हेल्थ वाला सर्वेलेंस है कि कहीं जैसे इबोला आउटब्रेक हो रहा है तुरंत पता चले। केरला में अभी आउटब्रेक हो रहा था निप्पा वायरस का, वी शुड गेट टू नो क्विकली। सर्वेलेंस एंड डायग्नोस्टिक, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए आउटब्रेक को, एपिडेमिक को एंड बोथ। बिकॉज कोविड 19 इज नॉट फर्स्ट, कोविड 19 इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट पैंडेमिक, सो वी नीड टू गेट टू नो बिफोर हैंड, और बी वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी इवेंट हो तो हम उसको बेटर डील कर पाए। ये एसेंशियल है और यही एम्स है अभिम के। अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर दें, टेक्नोलॉजी, डेटा मॉनिटरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी लेटेस्ट चीजें यहाँ पे, जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, उसको यूटिलाइज करें, ये एम है। ओके, सो दिस इज दिस। कुछ ही दिन पे अभी इस पे हम एक एक्सरसाइज, एक आंसर राइटिंग भी करेंगे। ओके, एम पे, दिस अभिम पे। ये हाईज एंड लोज इन स्टेट्स आईएमआर रैंकिंग, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंडिया में बड़ी पुअर है। आईएमआर मतलब 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन पे अंडर 1 ईयर ऑफ एज में कितनी डेथ हुई, 1000 बच्चे हुए तो कितनी डेथ हुई, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दिस इज हाई, हाई है इंडिया के लिए, इस पे भी हमें वर्कआउट करना जरूरी है। केरला बेटर है ओवरऑल सारे राज्यों में, इतना ग्लोबल रैंकिंग ऑफ दिस। तो द पॉइंट इज, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, देन यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रॉपर हो, जो मेडिकल स्टाफ हो अवेलेबल हो, वेल ट्रेन्ड हो, और एक कल्चर ऑफ दिस अवेयरनेस भी हो। जो मदर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर काउंसलिंग मिले, ये जो छोटी चीजें हैं, ये कलेक्टिवली एक बहुत अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट प्रेजेंट कर सकती हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। दिस शुड बी अवर अप्रोच। जिसे हम आंगनबाड़ी वर्कर्स में भी देखते हैं, आशा वर्कर्स में भी देखते हैं, क्या ट्राई करते हैं हम कि ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीजें जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हेल्थ केयर है प्राइमरी, वो डिलीवर हो, डिलीवर हो। देन दिस इज दिस, सो अपडेटेड एनपीआर नॉर्म है, एंड दिस इज काउंट ऑन द नॉट सो बिग पावर्स, बड़े बड़े नाम पे नहीं, जो एक्चुअल में आपके लिए वर्क कर रहा है उसके पास जाना चाहिए। काउंट ऑन द नॉट सो बिग पावर, बिग पावर्स नहीं। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में सैयद अकबरुद्दीन साहब ने बताया, इनकी एक किताब आ रही है तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये आपकी किताब है इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 2017 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर दलवीर भंडारी साहब, जज दलवीर भंडारी साहब इलेक्ट हुए थे जज ऑफ द ICJ, तो इंडिया को उस टाइम पे इतना फेवर नहीं मिल रहा था बड़े कंट्रीज का, बट जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, मिडिल कंट्रीज हैं, उनके सपोर्ट से इंडिया ने यूके के ऊपर विक्ट्री किया। सो मैसेज क्या हुआ कि काउंट ऑन द नॉट सो बिग पावर्स। ऐसे ही आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नेम, बड़े बड़े टॉपर्स, बड़ी बड़ी चीजों के बजाय अगर आप उन चीजों पे फोकस करें, सिंपल सिंपल बेसिक चीजें जो एक्चुअली में आपके लिए वर्क करती है, आपके लिए वर्क करती है, तो आप बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स में जाना है, एकदम हाइपर कॉम्पिटिटिव टाइप एटमोसफियर एंड ऑल, नो। यू जस्ट फोकस वॉट इज गुड फॉर यू, आपके लिए क्या वर्क करता है, क्योंकि अभी आप भी 21 हो गए हो, अपने स्कूल एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएशन किया है, सो यू नो योर स्ट्रेंथ, यू नो योर वीकनेस। फोकस ऑन स्ट्रेंथ कि कौन सी स्टाइल आपको सूटेड रहती है। टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, आपके लिए बेस्ट टीचर वो है जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठ पाए, ट्यूनिंग कनेक्ट बैठ पाए, सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे भी यही है, काउंट ऑन द नॉट सो बिग पावर्स। देन ये मिस्टर राजेश गोखले जी हैं, आप बनेंगे नए DBT सेक्रेटरी, DBT सेक्रेटरी, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का अभी सेक्रेटरी बनाया है। ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का भी न्यूज चल रहा था, बायोटेक्नोलॉजी। सो दिस इज दिस, पैंडेमिक के टाइम पे इंडिजिनस वैक्सीनेशन का भी बैकड्रॉप है कोविड, तो दिस पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट। मिस्टर राजेश गोखले इज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ DBT। देन कोवैक्सीन का डिले हो रहा है, WHO ने और डेटा मांगा है, बट अब जल्द हो जाना चाहिए, सारे इसके डेटा अच्छे आए हैं कोवैक्सीन के, वी शुड गेट अप्रूवल प्रेटी सून।
देन कोवैक्सिन हो गया, ड्राफ्ट रूल्स आ रहा है एयरपोर्ट को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना, डिसेबल्ड फ्रेंडली, वेरी गुड। देन फ्रेमवर्क टू मैनेज ड्रोन ट्रैफिक नोटिफाइड, ड्रोन्स आर ऑन राइज, ज्यादा यूज हो रहा है अभी डिलीवरी में भी, यूज हो रहा है इनका प्रोडक्ट डिलीवरी, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह। तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, तो इस टाइप का अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आ रही है, नोटिफाई किया है, लेट अस सी। वेटिंग फॉर अ चांस माइग्रेंट वर्कर, अब माइग्रेंट वर्कर्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना फॉरेन मिनिस्टर ने मीट किया तालिबान से दोहा में और सपोर्ट देने की बात किया, चाइना और तालिबान में अभी काफी दोस्ती बढ़ रही है। एक्सपीडाइट करें टॉक्स ऑन साउथ चाइना सी, बीजिंग ने कहा। साउथ चाइना सी, अगेन मैप देखा है हमने, साउथ चाइना सी में दिस एशियन कंट्रीज और चाइना के बीच में टेंशन होता है। देन ईरान ने ब्लेम किया साइबर अटैक एज फ्यूल सप्लाई अफेक्टेड, नेक्स्ट जनरेशन अटैक्स है ना वो है साइबर अटैक्स, और साइबर अटैक्स भी कहाँ पे होते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1 या 2 महीने पहले हमने इस पे बड़ा अच्छा आंसर प्रिपेयर किया, ना शेड वन PDF एज वेल। अब क्या किया करो, जैसे टेलीग्राम पे आप जाते हो ना तो उसमें एक सर्च ऑप्शन भी होता है, सर्च ऑप्शन, सर्च में जस्ट आप टाइप दैट कीवर्ड, जैसे साइबर अटैक अगर टाइप करोगे ना तो वो पर्टिकुलर PDF वहां पे आ जाएगी, एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सर्च इट ऑन दिस सर्च ऑप्शन साइबर अटैक एंड यू विल गेट दैट PDF, सो दिस इज देयर। जापान की प्रिंसेस मैरीज कॉमनर, देन टैक्स रेवेन्यू सेट टू बीट फोरकास्ट, एक्सेलेंट, इस बार खूब पैसा आने वाला है टैक्स रेवेन्यू से, सरकार की लॉटरी लग रही है, बीट फोरकास्ट। स्ट्रॉन्ग रिकवरी टू हेल्प टैक्स सरपास बजट एस्टिमेट बाय 10% से भी ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, गुड। 15.45 लाख करोड़ का होगा, और इकोनॉमी मोमेंटम भी आ रहा है वापस, कोविड के कारण रेसेशन भी हो गया था, ओवरऑल लुकिंग गुड। टैक्स कॉम्प्लायंस होना जरूरी है, टैक्स कॉम्प्लायंस कंट्री बनना जरूरी है। एक सवाल आया था, क्या टैक्स टू GDP रेशियो पिछले 10 साल में कॉन्स्टेंटली राइज हुआ है, इंडिया का इंक्रीज हुआ है, यस और नो, आंसर प्रीलिम्स का सवाल है, टैक्स टू GDP रेशियो। देन ये है क्लाइमेट फोकस पे बात, और ये है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो अब ये बैंक भी फोकस करेगा क्लाइमेट पे, क्लाइमेट इंफ्रा प्रोजेक्ट पे, रिजाइलियंस। इंडिया नीड्स टू बोल्स्टर इट्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रा भी बोल्स्टर करना है, ये बात मिस्टर जिन ने कहा, हेड है यहाँ के AIIB, जिम लीकन, सो दिस इज देयर। स्ट्रेसिंग दैट कंट्री फेसेस अ ह्यूज नीड टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रा, AIIB प्रेसिडेंट ने कहा, मल्टीलेटरल लेंडर वुड लुक टू फंड सोशल एज वेल एज क्लाइमेट इंफ्रा, एक्सेलेंट, सोशल एंड क्लाइमेट इंफ्रा को फंड करेंगे, गुड। टॉक्स में आई विल रिज्यूम इट सून, प्रीटी सून, जो टॉक्स में हमने एक वीडियो बनाया था वर्ल्ड बैंक का, हैव अ लुक एट दैट वीडियो, उसमें आई शोड वन अनादर वीडियो, ऑफिशियल वीडियो ऑफ वर्ल्ड बैंक, जिसमें वर्ल्ड बैंक का ना काम बताया। एक्चुअली हमें क्या लगता है बैंक मतलब जाओ पैसा लाओ ऐसा हो गया, नो, जो ये ऐसे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक AIIB हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, या फिर वर्ल्ड बैंक हुआ, इनका मैंडेट बहुत ब्रॉड होता है, तो हैव अ लुक एट दैट वीडियो, episode 3 या 4 था वो, और उसमें देखो वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, मोर और लेस सिमिलर काम AIIB का भी होगा, एशिया फोकस्ड। चिप स्कैर्सिटी टू कैप ग्रोथ ऑफ पैसेंजर व्हीकल एट 11-13%, दिस इज क्रिजल रिपोर्ट। देन अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर और साउथ अफ्रीका IPL एंड दिस इज वर्ल्ड T20, ओके, सो दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फेसबुक और फेक न्यूज और हेट स्पीच, पता है ये जो गलत काम होता है ना इसका पार्टिसिपेंट भी नहीं बनना है, कई बार क्या होता है आप इनडायरेक्टली या फिर आपको नॉलेज नहीं है, विदाउट लाइक नोइंग द डेप्थ एंड सीरियसनेस ऑफ एनी टॉपिक, हम न्यूज को जस्ट लाइक दैट स्प्रेड कर देते हैं, और फिर वो थोड़े टाइम पे स्नोबॉल हो जाता है और बहुत डैमेज करता है हमारे सोशल फैब्रिक को, लॉ एंड ऑर्डर को। सो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी भी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये जो फेक न्यूज है या फिर जबरदस्ती का हेटफुल न्यूज हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा हो रहा है, लेट्स नॉट पे एनी अटेंशन, फेक न्यूज हेट स्पीच वगैरह इनको इतना TRP नहीं दे, तो फेसबुक है अननेसेसरी हम फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, वी शुड अवॉइड, सो दिस इज देयर। बाकी रेगुलेशन तो होना चाहिए इन पे जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स है कि एक चेक करें ये सच टाइप ऑफ रॉन्गफुल कंटेंट को डिस्कार्ड करें। देन विंटर ब्रेक है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं कहाँ पर है, यमुना, यमुना रिवर पे,
कुछ दिन पहले हमने अमूर फाल्कन के बारे में पढ़ा था, किस स्टेट के रेलेवेंस में पढ़ा था, आंसर अमूर फाल्कन। यहां जो बात है वो इसका है माइग्रेटरी बर्ड्स यमुना का, बिकॉज अमूर फाल्कन भी माइग्रेटरी बर्ड है। इंडिया के किस स्टेट में आया था, टेल, वहां पे दिस फ्लोटिंग संगई डियर्स भी मिलते हैं, आंसर। तो यहां जो बात है यमुना की, और दिल्ली का ही एक एडवर्टोरियल है, वेटलैंड मित्र एडवर्टाइजमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का। वेटलैंड मित्र एक स्कीम है, प्रोग्राम है, वेटलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट कर रही है कि आप वेटलैंड के मित्र बन जाओ। वेटलैंड क्या होता है, पानी ऐसे भरा हुआ है, दिस इज वेटलैंड, झील तालाब लाइक दैट। तो आप ये, बिकॉज दे आर डाइंग, पानी कम पड़ रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है एंथ्रोपोजेनिक, तो आप इनके मित्र बनो। और मित्र का काम क्या होता है, फ्रेंड का काम होता है अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना, तो आप प्रोटेक्ट करो वेटलैंड को। वेटलैंड मित्र इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, कंजर्वेशन हो, वाटर बॉडीज को बचाना है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी मिलेगा, प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट, ब्यूटिफिकेशन करो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स अगर पहुंचा सकते हैं तो सेल्फ कंसिडरेशन लाइक दैट। तो ये है वेटलैंड मित्र। अब इस स्कीम का क्या यूटिलिटी है, आपको ये आंसर लिख रहे हो, अब वहां पे कोट कर दो, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वेटलैंड मित्र और उसके ये प्रोस्पेक्ट्स थे। तो दिस टेल्स कि यू नो हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, आपको थ्योरेटिकल चीजें पता है, गवर्नमेंट स्कीम्स भी पता है, इट मीन्स यू हैव दिस कि एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है आपके थ्योरेटिकल चीजों का। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आंसर में लिखना चाहिए कि दिल्ली का एग्जाम्पल लिखो वेटलैंड मित्र। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ऐसी स्कीम्स आती रहती हैं, डिफरेंट स्टेट्स का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, ये भी हमें यूज करना है, इसको यूज करना है। ये सब टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स, जितने ज्यादा आपके पास टेम्पलेट्स होंगे ना उतना ही बेटर आंसर आप असेंबल कर पाओगे रियल एग्जाम में। सो दैट इज वाई रीड एंड ट्राई टू असेंबल और प्रैक्टिस। अब जैसे ये सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द रामसर वेटलैंड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, और सजेस्ट करो मेजर्स टू कंजर्व वेटलैंड। अब सजेशन आपसे मांगा है, मतलब ये जानना चाहते हैं कि आप सोच पाते हो, क्या सजेशंस हैं, दिमाग कैसे चलता है, लाइक दैट। तो सजेशन जब भी आता है इसमें अपना टैलेंट दिखाना है और ऐसे एग्जांपल्स भी लिखना है। और ये एग्जांपल्स आप अपना बना के भी बता सकते हो, अगर दिल्ली गवर्नमेंट का रेफरेंस नहीं देना है, आप खुद का बोल दो कि वेटलैंड मित्र टाइप कोई स्कीम लाए और उसमें ये प्रपोजल्स हम वर्कआउट करें। एक्सीलेंट, सो दिस इज ट्रिक टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन जनरल स्टडीज। अब यहाँ पर ये है, बिकॉज अब की डेट में जो पेपर है ना ये बहुत डायनामिक हो गया है, इसमें वही लोग अच्छा कर पाते हैं जो मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड है, रियल टाइम पे दिमाग चलता है, बहुत सारे उनके पास टूल्स एंड आर्सेनल्स हैं, क्विकली वो असेंबल कर पाते हैं। प्लस अब आप देखो, अगर आप चाहते हो आपकी टॉप रैंक आए तो आपको इंटरव्यू पे भी बड़ा अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मेंस में बहुत अच्छे आ गए देन यू विल गेट द डिजायर्ड रैंक। नो, You have to be good in every stage of this examination. That is why I keep on telling you कि personality पे भी काम करिए, अपनी personality पे। ये एक दिन में नहीं होता है, that is why आज ही से काम चालू करिए। Farmers challenge, तो यहाँ पे बात है vision, leadership होना चाहिए, social prejudices नहीं हमें बढ़ाने हैं। ये है team India powerful influencers. Now see, sports को स्पोर्ट्स की तरह ही लेना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन द सिलेबस पैट्रियट्स डोंट नीड, पेडागॉजी है, एनकरेज करें स्टूडेंट्स में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल अवेयरनेस। हमको रोबोट्स नहीं बनाने हैं और कोई फौज तैयार नहीं करनी है, कोई आर्मी नहीं बनानी है कि ब्लाइंड डिवोशन चाहिए। नो, हमको इंडिपेंडेंट थिंकर्स चाहिए, कल्टिवेट ब्लाइंड डिवोशन, दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट। वी वॉन्ट कि एक रिफ्लेक्सिव थिंकिंग हो, क्रिटिकल अवेयरनेस हो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दिस वी शुड एनकरेज। देन दिस इज दिस, ब्लाइंडली तो कभी फॉलो करना ही नहीं चाहिए। ओके, आप कोई भी स्ट्रैटेजी भी अगर देख रहे हो, टॉपर्स का देख रहे हो लाइक दैट, उसको अपने हिसाब से टिंकर करो, ट्वीक करो, ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहे। 27 स्टेट्स यूटीज वल्नरेबल टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, और ये एक रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट दिया है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ने ट्यूसडे को रिपोर्ट रिलीज किया है। और वल्नरेबिलिटी नापी है क्लाइमेट इवेंट्स का, जैसे कोस्टल स्टेट्स है अक्सर साइक्लोन आ जाता है, हिमालयन स्टेट्स है लैंडस्लाइड या फिर भूकंप जैसे खतरे होते हैं, जो इधर वेस्टर्न है यहाँ पे दिस लू एक्सट्रीम हीट आ जाता है, मानसून ज्यादा, फ्लडिंग हो जाती है। तो ये क्लाइमेट इवेंट्स है, वल्नरेबिलिटी का मैपिंग हुआ है, बिकॉज डिजास्टर प्रिपेयरनेस का नंबर वन रूल होता है कि वी शुड बी हैविंग क्लाइमेट दिस
हैजार्डस मैपिंग होना जरूरी है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग होना जरूरी है, ताकि हम क्विक रेस्पॉन्स कर पाए, क्विकली एक्शन ले पाए और प्रोटेक्ट कर पाए अपने को फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। तो ये एक मैप रिलीज हुआ है 27 स्टेट्स और यूटीज वल्नरेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स में, तो दिस इज देयर। अब इसीलिए COP26 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर को जो हो रहा है इसमें हम बात करेंगे डिटेल में। देन दिस इज इमरान डायल्स शी, बोथ लीडर्स अर्ज वर्ल्ड टू सेंड एड टू अफगानिस्तान, अब पैसे भेजो ताकि यहाँ पे प्रॉब्लम और फर्दर डिटीरियोरेट नहीं हो। देन इंडियन ओरिजिन है अनीता आनंद इज कैनेडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। चाइना के प्रेसिडेंट अनलाइकली टू अटेंड की क्लाइमेट समिट, एंड दिस इज सूडान फेसबुक, एंड एट लास्ट रॉयल वेडिंग बट नॉट ट्रम्पेट्स। चाइना का न्यू लैंड बॉर्डर लॉ एंड इंडियन कंसर्न्स है, चाइना फॉर्मलाइज कर रहा है जो लैंड ग्रैब टैक्टिक्स उसने इंडिया के साथ अपनाई। ये एविएशन है, एविएशन में ड्रोन डिलीवरीज अब रियलिटी बनेगी, बहुत जल्दी ये होने वाला है। ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह की भी फाइन गाइडलाइंस बन रही है। देन दिस इज आईटी रूल्स, ऑटो वॉल्यूम ग्रोथ में फॉल, नए जरूरत है सीईए की, अप्लाई कर दो, एप्लीकेशंस फॉर सीईए पोस्ट इनवाइटेड। सीईए मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, पहले सुब्रमण्यम साहब थे ये जा रहे हैं, तो अब नए आएंगे, एप्लीकेशंस फॉर सीईए पोस्ट इनवाइटेड। एयर इंडिया, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेजोन वेब सर्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पाइन, सारी टेक कंपनीज आजकल इसी रडार पे है, स्पाइन एंड मैनिपुलेशन। तो ये तो था इंडियन एक्सप्रेस। एथिक्स में ना गांधी जी की बहुत यूटिलिटी है, गांधी जी के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप मतलब GS 1, 2, 3, 4 एथिक्स ऐसे इंटरव्यू हर जगह बहुत अच्छे से गांधी जी के जो टीचिंग्स है उसको यूज कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो आंसर में। जैसे गांधी जी ने 7 सोशल सिंस बोला है, क्या है, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ज्ञानी बनना सब कुछ नहीं है, कैरेक्टर भी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, मोरालिटी होना जरूरी है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस। तो ये 7 सोशल सिंस है बाय गांधी जी। ओके, सो आप इसे यूज कर सकते हो एथिक्स में। सो दिस इज टुडेज डिस्कशन। आज हमें प्रिपेयर करना है पॉलिटिकल मैपिंग कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अपना एटलस ओपन करिए और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में सब पढ़ डालिए आज। देन दिस इज वेटलैंड, ये 2 सवाल आज तैयार कर लें। सो दिस इज 27th of October 2021, 300 दिन हो गए, 65 दिन और बचे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।